हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आए मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही कमाल की MIUI थीम्स लेकर आया गया हूँ जो कि डायनामिक लॉक स्क्रीन्स के साथ आते हैं। तो बहुत ही कमाल के लॉक स्क्रीन होने वाले हैं जिन्हें आप पोको, रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाउड का एनिमेशन है, यहाँ पर फिश का एनिमेशन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। बस इतना ही नहीं, ये जो लॉक स्क्रीन है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉर्निंग में कैसा लगता है, इवनिंग में कैसा लगता है और नाइट में कैसा लगता है। अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लॉक्सिन है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है कलरफुल विंटर बाय डीएन और ओजीएन और इसकी सही है 32.2 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड लॉक स्क्रीन उन लोगों के लिए है जिन्हें डार्क थीम्स पसंद है, क्योंकि ये कुछ इस टाइप की एक डार्क स्पेस वॉलपेपर के साथ आता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिल जाता है, यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें एनिमेशन देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर जो स्टार्स है वो भी ब्लिंक करते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पर जो वेट है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है बॉटम साइड में। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक ब्लैक होल है आप देख सकते हो, जो वेट है वो अपर साइड में चला जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको इस टाइप के लॉक स्क्रीन्स पसंद है तो इस थीम को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेट के साथ आता है। तो थीम का नाम है प्लानिटरी पावर बाय सेम डिजाइनर और इसकी साइज है 13.1 MB। अब आते हैं हमारे थर्ड थीम पे जो कि कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पर एक रॉकेट मिल जाता है आप देख सकते हो एनिमेशन के साथ, जो कि काफ़ी कूल लगता है। यहाँ पर भी एक स्पेस वॉलपेपर है, साथ में यहाँ पर जो वेट है इसमें भी येलो एंड ऑरेंज कलर का टच मिलता है जो कि वॉलपेपर के साथ मैच होता है। और अगर हम यहाँ पर इस तरह से स्वाइप डाउन करते हैं तो हम वॉलपेपर की कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी वॉलपेपर मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है आप देख सकते हो। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो थीम का नाम है स्पेस 2 बाई डीएन और कलर और इसकी सही है 23.4 MB। ये भी आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। फोर्थ थीम की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है, यहाँ पर एक बर्ड है जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, या दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगते हैं आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल वेट भी यहाँ पर मिल जाता है, साथ में यहाँ पर जो रेन इफेक्ट है इसे हम डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो लीप इफेक्ट है इसे भी हम डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डायनेमिक इफेक्ट को भी डिसेबल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर वॉलपेपर के साथ आता है ये लॉक स्क्रीन, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको ये थीम पसंद आता है तो आपको डाउनलोड करना होगा सॉफ्ट स्प्रिंग बाय डीएन और उली और इसकी सही है 30.5 MB। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन की बात करें तो ये कुछ इस टाइप की पेपर डीएन वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर हैंड ड्रॉइंग टाइप का एक वॉलपेपर मिल जाता है जो कि काफ़ी सही लगता है, और इसे हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर कुछ इस टाइप का रेन इफेक्ट मिल जाता है, फिर से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर एक और वॉलपेपर मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर्स हैं आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी वॉलपेपर्स। आपको इनमें से जो भी पसंद आता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे ये वॉलपेपर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थीम का नाम है वेदर एरोस्पेस बाय सेम डिजाइनर और उली और इसकी सही है 33.6 MB। ये भी आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा एनिमेशन भी यहाँ पर मिल जाता है, और जो वेट है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, और इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पर हम डायनेमिक इफेक्ट को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, रेन ड्रॉप इफेक्ट को भी हम यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर जो लीप इफेक्ट है इसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपको इस टाइप की ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स पसंद है तो इस थीम को ट्राई करना। थीम का नाम है कैमेलिया ब्लूम्स और इसकी साइज है 30.3 MB। काफ़ी अच्छी थीम है, ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट लॉक स्क्रीन पर आते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक वॉलपेपर मिल जाता है, एक ब्यूटीफुल एनिमेशन मिल जाता है। नेक्स्ट थीम की बात करें तो ये एक स्पेस वॉलपेपर के साथ आता है। ये जो लॉक स्क्रीन है काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलता है। साथ में यहाँ पर जो वेट है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है, बैटरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है वेट में बहुत ही सही लगता है। अगर आपको ये लॉक स्क्रीन पसंद आता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ और कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं मिलता, सिंपल सी एनिमेटेड लॉक स्क्रीन है। तो थीम का नाम है बी एन एस्ट्रोनॉट बाय डिजाइनर उली और इसकी सही है 22.5 MB। आते हैं एक और डार्क लॉक स्क्रीन पे जो कि कुछ इस टाइप के वॉलपेपर के साथ आता है। अगर आपको डार्क लॉक स्क्रीन पसंद है तो ये आपको पसंद आ सकता है। यहाँ पर ब्लिंक करते हुए एनिमेशन मिल जाएगा आपको जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो वेट है एक मिनिमल लुक के साथ आता है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो थीम का नाम है डायनामिक ब्लिंकिंग बाय डिजाइनर हेलो कल्चर और इसकी साइज़ है 6.9 MB। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन की बात करें तो जब हम लॉक स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर बैकग्राउंड में भी एक एनिमेशन है आप देख सकते हो, जो वेट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। वेट का कलर यहाँ पर वॉलपेपर के साथ मैच होता है तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर मिल जाता है लॉक स्क्रीन में। तो अगर आपको ये मिनिमल थीम पसंद आता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है वाटर सेलिंग बाय डिजाइनर ओजीएन और इसकी सही है 19 MB। नेक्स्ट एक एनिमे वॉलपेपर है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है आप देख सकते हो एनिमेशन के साथ, और जो वेट है कुछ इस टाइप का लगता है। और यहाँ पर जो फ्लावर एनिमेशन है इसे हम यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का लॉक स्क्रीन है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। अगर आपको एनिमे वॉलपेपर पसंद है तो इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है स्प्रिंग ब्रिज बाई डिजाइनर ओजीएन, सेम डिजाइनर है और इसकी सही है 32.3 MB। नेक्स्ट थीम कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जायरो इफेक्ट मिल जाता है, मतलब अगर इस टाइप से हम फोन को शेक करते हैं तो जो वॉलपेपर है वो भी मूव होता है, तो काफ़ी कूल इफेक्ट यहाँ पर मिल जाता है इस लॉक स्क्रीन में। और जो वेट है यहाँ पर इंच में मिलता है तो काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। तो काफ़ी मिनिमल और ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है अराउंड यूनिवर्स और इसकी डिजाइनर है हेलो कल्चर और इसकी साइज है 15.5 MB। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के वॉलपेपर के साथ आता है। काफ़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल वेट भी है। और ये जो वेट है हम इसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप की वेजेट्स मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में 3 वॉलपेपर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीनों की तीनों काफ़ी अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं तो तीनों की तीनों काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको जो भी पसंद है आप ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन मिल जाता है, अगर आपको ये पसंद आता है तो ट्राई कर सकते हो। इनका नाम है फार माउंटेन बाई डिजाइनर उली और इसकी साइज है 30.4 MB। तो ये थे कुछ डायनेमिक MIUI लॉक स्क्रीन्स जिन्हें आप अगर रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।